ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, ग्रहों का राजा। क्योंकि सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। सूर्य आपको प्रकाश देता है, आपको तेज देता है, आपको बल बुद्धि तो आपको देता है। शुभ स्थिति होने पर जातक सूर्य के समान चमकता है, उसको नेम फेम इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ती जाती है, उसका पराक्रम बढ़ता है, उसका नाम बढ़ता है, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त होती है, उच्च पदों की प्राप्ति, खासतौर से राज्य पक्ष की जो नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियाँ, उनमें बहुत उच्च पदों की प्राप्ति और नेम फेम इम्पोर्टेंस। जातक जहाँ भी जाता है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है और अग्रगण्य रहता है। अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर थोड़ा अपमानित होना पड़ता है, थोड़ा अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। और यह जो परिवर्तन है, अभी तक सूर्य अपने नीच तुला राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब यह 16 तारीख को दोपहर 1:01 पर मित्र वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातक। यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में इनका ट्रांजिट हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। चूँकि 5 दिसंबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा अंगारक दोष भी आपका बनेगा, 12-13 दिनों के लिए। तो स्थिति घर परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद स्थिति थोड़ी आपके फेवर में आएगी। चूँकि वहाँ स्वग्रही राशि में मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, अंगारक दोष तो बनेगा लेकिन आपको यहाँ शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी 5 दिसंबर तक। थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। कोई परिवार में कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिफरेंसेस, कोई फाइनेंशियली पैसे का नुकसान, घर में किसी सदस्य की हानि, आपका वाद विवाद, तो थोड़ा अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर थोड़ा नियंत्रण रखें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे आपको आगामी तो आपको नुकसान देखने को मिले। और ये आपके सोर्स ऑफ इनकम के भी लॉर्ड है, हालांकि वहाँ से 10th प्लेस में चले गए, तो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्थिति ऑलरेडी ठीक रहेगी। यहाँ से आपके 4th हाउस में है तो थोड़ा सा यहाँ भी स्थिति सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा कमी आना, थोड़े व्यवधान तो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके मित्र वर्ग, आपके बड़े भाई बहन, उनसे कोई संबंध खराब होना, कोई उनसे धोखा चिटिंग होना, वो आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है तुला राशि वाले जातकों को। उसके बाद ये है जो आपके सूर्य हैं, ये आपके थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, आपके प्रेम संबंधों में आपको तकलीफ आ सकती है, आपके मतभेद डिफरेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, विवाह शादी होने जा रही है तो वहाँ कोई थोड़े व्यवधान परेशानियाँ थोड़ी क्रिएट हो सकती है। बिजनेसमैन या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ से भी थोड़े नुकसान थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऑल ओवर देखिए, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लिए आज से ठीक है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपके पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा और विदेशों से आप लाभ गेन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नए संबंध बनेंगे, तो यहाँ स्थिति ठीक रहेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, घर में सुख संसाधनों की वृद्धि होगी और साथ में आपकी माता जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ऑल ओवर अगर देखिए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट है, मिश्रित फल लेकर आएगा सूर्य के। अभी आपकी राशि पे ही नीच के सूर्य संचार कर रहे हैं तो स्थिति थोड़ी ख़राब है, लेकिन इससे थोड़ी बेहतर स्थिति बनेगी, थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः यहाँ आप तरक्की उन्नति करेंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा किसी ग्रह की प्रतिकूल चल रही है तो फिर आपको थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का, थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी दिक्कत तकलीफ में आपको आ सकती है, तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी एक बार जरूर कराएं।
आप क्या कीजिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें कुमकुम चीनी डालें, ओम सूर्याय नमः कहते हैं, सूर्य को अर्घ्य दें, वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक मिनट तक जाप करें। प्रतिदिन चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, और रविवार के दिन आप क्या करें, तांबे का कॉइन, एक तांबे का सिक्का ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, बहते पानी में या खाड़ी में समुद्र में उसको प्रवाहित करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभावों से आप बचेंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आप ही की राशि के ऊपर ट्रांजिट हुआ है और यहाँ पर थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, चिड़चिड़ापन, थोड़े ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, और थोड़ा धैर्य और संयम में कमी आएगी, कार्य करने की शैली, अक्षमता, उसमें बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बहुत एग्रेसिव आप हो जाएंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, मेंटल स्टेबिलिटी तो आपको नहीं बन पाएगी, इरिटेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी तेज़ी, थोड़ा एग्रेसिव आप यहाँ पर हो जाएंगे, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए और थोड़ा हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत बहुत जल्दबाजी में मत लें। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी वीक पड़ सकती है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है, धैर्य संयम रखिए। उसके बाद ही आपके 10th प्लेस के कैरियर के घर के लॉर्ड हैं और वहाँ से 4th घर में चले गए। संभवतः कैरियर को लेकर भी जो जातक नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, इस समय कोई बहुत बड़ा बदलाव मत करें, या कोई नया कार्य या कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कोई बिजनेस परिवर्तन मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय यहाँ पर थोड़ी हानि हो सकती है। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ प्रयत्न मेहनत करें, थोड़े समय की बात है, यह समय स्थायी नहीं है, आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी तो आपको तरक्की उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट, कोई लाभ आप उनसे यहाँ पर गेन कर सकते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर थोड़ा, थर्ड हाउस आपका ठीक है जहाँ से आपका पराक्रम देखते हैं, यह एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है कि वहाँ पर शनि भी अपने घर में बैठ रहे हैं और वहाँ से आपके सूर्य आपके 11 भाव में चले गए, इसलिए स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर ठीक बनेगी। आपके अंदर थोड़ी नकारात्मक, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप कॉन्फिडेंट होकर तो जब निर्णय लेंगे और जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, आपका नाम बढ़ेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बढ़ेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, छोटे भाई बहन, सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, यह शुभ स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं, आपका नाम थोड़ा ख़राब कर सकते हैं, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके विपरीत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई आपसे धोखा चीटिंग कर सकता है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट विश्वास करते हैं, और ख़ास तौर से थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, कोई ऋण और रोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ऑल ओवर देखिए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, देखिए मित्रों या फ्रादे चंद्र राशि पर है, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए एक बार उसका भी विश्लेषण करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है तो यहाँ पर आप तरक्की उन्नति करेंगे और आपको सूर्य के बहुत कम दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, और अगर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः आपको थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो एक बार विश्लेषण करा लें तो सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती है। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और फिर वहीं खड़े होकर ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः एक मिनट तक सूर्य मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन काली चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, और साथ में आप रविवार को थोड़ा गुड़ से बनी तो चीज़ों का दान करें तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।